हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। तो बस वीकेंड का ब्लॉग एक और आपके साथ जो है ना मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो वीकेंड की शुरुआत हो चुकी फ्राइडे इवनिंग से। हस्बैंड जो है ना आज घर पे ही काम कर रहे थे इस दिन, तो उनका काम जल्दी हो चुका। तो हस्बैंड जो है ना बड़े के बच्चों को लेके चलते हैं पार्क वगैरह। काफ़ी दिनों से बच्चों को जो ना बिल्कुल किसी पार्क में नहीं लेके गए थे, तो उन्हें जो ना बड़ा ही मन था कि किसी पार्क का विजिट किया जाए और बाहर डिनर करने का। तो हम जो है ना बच्चों को ले गए नेकलेस रोड, और नेकलेस रोड साइड ही एक नया पार्क खुला है। तो वहाँ पे जो है ना हमने एज एन एक्सपेरिमेंट एंट्री मारी, बिकॉज कुछ गिने चुने पार्क है जहाँ हम फ्रिक्वेंटली बच्चों को लेके जाते हैं, बट ये नया था, हम पहली बार ही गए थे। और जैसे ही हमने जो है ना वहाँ पर एंट्री मारी तो हमें तो अच्छा लगा बड़ों को, बट बच्चे डिसअपॉइंट हो गए टोटली। वो जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। पार्क में हमने एंट्री की और घूमते जा रहे हैं, चारों कोने हमने पार्क के देख लिए, कहीं पे भी एक सिंगल झूला नहीं था बच्चों के लिए। एक सिंगल जो होता है ना बच्चों के लिए, कुछ तो भी स्लाइडिंग या कुछ हो जहाँ पे वो इंजॉय करे, नहीं, कुछ भी नहीं था। बहुत ग्रीनरी थी इस पार्क में, बहुत लाइटिंग, और बहुत जो है ना वॉकिंग के लिए बना हुआ था प्रॉपर प्लेस वगैरह। यू कैन वॉक वेरी नाइसली फॉर द वॉक, इट वॉज़ अ ग्रेट पार्क। बट बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से ना इसमें कुछ भी नहीं था, तो बच्चे ना बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए। बहुत काफ़ी बड़ा सा पार्क था, हम तो मतलब पूरा इनफैक्ट घूम भी नहीं पाए। और पूरे पार्क में आप देखिए आपको कहीं पे भी एक सिंगल झूला बच्चों के लिए नहीं मिलेगा। तो बस ऐसे ही घूम रहे थे और जो है ना बच्चों को इधर उधर माइंड डाइवर्ट कर रहे थे, बिकॉज ब्रह्मा वजह बहुत ज़्यादा जो है ना डिसअपॉइंट हो गए। खासकर ब्रह्मा तो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था। एंड थैंक गॉड कि यहाँ पे जो ना एक जो ग्रीन ग्रास का डॉम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना हुआ था, तो उस डॉम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर में जो है ना ब्रह्मा आशा दोनों ने सिंपली बस जो ना रनिंग और अप डाउन थोड़ा सा किया, तो उनका जो है ना हल्का फुल्का एंटरटेनमेंट हो गया। और जो रेगुलर पार्क जहाँ हम विज़िट करते हैं ना, जहाँ बच्चों के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे झूले वगैरह बने हुए हैं, वो पार्क इस पार्क से इतनी दूर था कि अगर हम वहाँ जाते ना तो जब तक वहाँ पहुँचते तो अंधेरा हो जाता। तो इसलिए जो है ना हमने सोचा कि चलो अब यहीं पे जो है ना टाइम स्पेंड कर लेते हैं। तो बच्चों ने बस ऐसे थोड़ा बहुत रनिंग वगैरह करके जो है ना अपना टाइम स्पेंड किया, तो समहाउ हमने जो ना मैनेज किया, बिकॉज बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे कि आप लोग किस पार्क में हमें लेकर आए हो। बट हमें भी बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इस पार्क में ऐसी कुछ सिचुएशन होगी कि बच्चों के लिए कुछ भी हमें नहीं मिलेगा। तो समहाउ चलो जैसे तैसे जो है ना मैनेज किया, बच्चों ने जो ना खूब वॉकिंग रनिंग की, हमारी भी जो ना अच्छी खासी वॉक हो गई इस पार्क में। एंड देन जो है ना बच्चों को उसके बाद लगने लगी जोरों की भूख, तो हम जो है ना निकल चुके हैं यहाँ से और बाहर जो है ना डिनर खा के बच्चों के साथ, एंड देन जाएंगे फिर घर वापस। और यहाँ से निकलते निकलते जो ना टाइम भी 7:15 का हो चुका था, अच्छा खासा जो है ना इस टाइम तक अंधेरा हो चुका था। तो हम जो है ना डायरेक्टली अब यहाँ से जाएंगे डिनर खाने के लिए। तो हम जो है ना यहाँ पे आए हुए हैं F3 मरेटपल्ली ब्रांच का, जो F3 है ना काफ़ी टेस्टी था खाना यहाँ पे। और बच्चों को जो है ना बेसिकली पिज़्ज़ा बर्गर वो सब खाना था, और समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाए। तो फिर हम जो है ना आशीष रिसेंटली यहाँ पे अपने मामा के साथ आया था, तो उसका मन था कि मामा चलते हैं F3 और वहाँ पर कुछ खाएँगे। तो F3 में हम पहुँचे और बच्चों ने जो है ना सब बच्चों ने टोटली जो होता है ना बच्चों का जंक फूड आइटम, उनका पिज़्ज़ा बर्गर सैंडविच वही सब उन्होंने जो है ना ऑर्डर किया। मैंने भी काफ़ी दिनों से जो ना घर में बिल्कुल ये सारी चीज़ें नहीं बनाई है, तो बस उनको जो ना क्रेविंग हो रही थी इन सब चीज़ों की। तो यहाँ पे जो है ना वर्षी ने मंगवाया चीज़ कॉर्न पिज़्ज़ा, थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा था, काफ़ी टेस्टी था और काफ़ी अच्छा चीज़ी सा टेक्सचर एंड टेस्ट था उसका।
और उसके बाद जो है ना फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह मंगाई आशीष ने, एंड देन बर्गर और बॉम्बे सैंडविच। फ्रेंच फ्राइज पिज़्ज़ा F3 का बहुत ही डिलीशियस था, नो डाउट, बट सैंडविच और बर्गर वॉज नॉट अप टू द मार्क, उतना अच्छा टेस्ट हमें नहीं लगा पर्सनली। बट एनीवेज ये थी सैंडविच जो कि बॉम्बे सैंडविच हमने मंगाई थी, जिसमें ऑनेस्टली स्पीकिंग उतना मज़ा नहीं आया। हाँ, ये नैचोज एंड सालसा अच्छा था, और ये बर्गर भी कुछ खास मज़े का नहीं था। तो समहाउ चलो दो चीज़ें अच्छी थी और दो चीज़ें ओके थी। देन लास्ट में हस्बैंड ने जो ना मेरे लिए मेरा फेवरेट चॉकलेट वॉलनट ब्राउनी सिज़ले वाला मंगाया था, सिज़ले चॉकलेट ब्राउनी मंगाया था। मुझे जो ना चॉकलेट वॉलनट ब्राउनी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो लास्ट में उसे भी जो है ना प्लेस किया उसका ऑर्डर। चॉकलेट जो ब्राउनी होती है उसके ऊपर आइसक्रीम है सिज़लर, और ट्रस्ट मी फ्रेंड बेस्ट 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 आइटम था ये इस F3 का, और बहुत ही अच्छा लगा, बच्चों को भी बहुत पसंद आया, और लास्ट में बस हमने ये खाया, इन्जॉय किया, एंड देन उसके बाद जो है ना निकल चुके अपने घर के लिए। तो ओवरऑल F3 का पिज़्ज़ा और फ्रेंच फ्राइज और ये चॉकलेट वॉलनट ब्राउनी सिज़लर वाली बहुत ही टेस्टी थी। हाँ, बर्गर और सैंडविच हमें उतना पसंद नहीं आया, बट ओवरऑल अच्छा था। तो बस डिनर हमारा यही था आज का, और अब हम चले वापस अपने घर। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी कि सैटरडे को जो है ना बच्चों का था PTM स्कूल में। तो सैटरडे था, बच्चों का स्कूल वगैरह तो था नहीं, PTM में हमें जाना था, बट हम जो है ना थोड़ा आराम से ही PTM में गए थे। और बस यहाँ पे जो है ना गर्मा गर्म मैंने चाय बनाई है सबके लिए, हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए। मौसम थोड़ा सा ठंडा था, तो मैंने जो ना अदरक तुलसी काली मिर्च वगैरह डाल के चाय बनाई सबके लिए। हम जो ना चाय और ऐसे ही बिस्किट वगैरह कुछ कुछ खा रहे थे, ड्राई स्नैक्स। बच्चे जो है ना अभी सब अपना अपना ब्रश कर रहे हैं, तो बस बच्चे अभी आएंगे, और बच्चों के लिए भी जो है ना चाय, ब्रेड और बिस्किट्स यही सब जो है ना फिलहाल हम खा रहे थे, और बैठे बैठे जो है ना कुछ कुछ बातें कर रहे थे, कुछ कुछ डिस्कशन चल रहा था। तो और डोसे का आटा जो है ना मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने ब्रेकफास्ट में जो है ना सिंपल से बच्चों के लिए डोसे बनाए थे। बच्चे जो है ना ब्रश करके आ गए, और यही वाली चाय मैं अभी ने जो है ना गर्म करके दे दूँगी, एंड देन उसके बाद जो है ना बच्चों ने शॉवर एंड ऑल लिया, एंड देन हमें जाना है स्कूल PTM में। जब भी कभी मौसम थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है ना, बारिश हल्की ठंड, तो मैं बच्चों को दूध की जगह जो है ना मसाले वाली चाय दे देती हूँ। तो बस सब जो है ना बच्चों के लिए बना रही थी मैं ब्रेकफास्ट, तो सिंपल से जो है ना उत्तपे मैं बना रही हूँ, और उत्तपों के साथ जो है ना चटनी मैंने एक दिन पहले ही बना के रखी थी फ्रिज में। तो बस बच्चों को यही सिंपल सा ब्रेकफास्ट दे दिया, डोसे उत्तपा बोलो या डोसा बोलो, थिक वाला डोसा बोल सकते हो। तो बस ये डोसे बनाए प्लेन वाले, और ये टमाटर पीनट की चटनी मैंने बनाई थी कल दोपहर में, तो बस वो चटनी और डोसे बच्चों को। और लकीली आज जो है ना तीनों बच्चों का PTM एक ही दिन था, अदरवाइज समटाइम ऐसा होता है कि आशीष का PTM किसी एक सैटरडे को होता है और ब्रह्माशा का अलग, तो एक ही दिन में जो है ना अगर होता है ना तो तीनों बच्चों का एक साथ जो है ना PTM हो जाता है। तो बस PTM से हम जो है ना होकर आ गए, और सिंपल सा लंच बना रही थी मैं। लंच में क्योंकि टाइम अच्छा खासा हो गया था, हम PTM में गए भी थोड़ी देर से थे, तो बस सिंपल से जो है ना आलू फ्राई बना रही हूँ, और खिचड़ी मैंने जो है ना कुकर में चढ़ा दी है, और आलू की सूखी सब्जी खिचड़ी, और थोड़े से फ्राइम्स तलूँगी। आज दही नहीं दूंगी बच्चों को, क्योंकि मौसम यहाँ पे थोड़ा सा बदली और बारिश वाला लगा हुआ है, और आशीष को ऑलरेडी हल्का फुल्का जो ना कोल्ड कफ भी हो रखा है, तो इसलिए जो ना मैंने आज दही जमाई भी नहीं थी। और वैसे जनरली मेरे बच्चे दही के बिना खिचड़ी नहीं खाते, बट इस टाइप ऑफ क्लाइमेट में जो ना मैं मैनेज कर लेती हूँ, उन्हें बिना दही के फ्राइम्स वगैरह दे देती हूँ, अचार पापड़ के साथ जो ना शौक से खिचड़ी तीनों बच्चे हस्बैंड सब हम जो ना खा लेते हैं। तो थोड़े फ्राइम्स मैंने यहाँ पे तल दिए, खिचड़ी जो है ना बनके तैयार हो चुकी है। तो बस ये है सिंपल सा टेस्टी टेस्टी पौष्टिक सा घर का खाना, सिंपल सी खिचड़ी, थोड़ा सा आलू फ्राई और थोड़े से फ्राइम्स, और हरी मिर्च की जो अचार मैंने आपके साथ शेयर की थी ना, मेरा तो अचार का डब्बा ख़त्म हो गया है, आधे से भी कम हो गया है, और बहुत जल्दी मैं जो है ना
दोबारा हरी मिर्च की अचार बनाने वाली हूँ। और इसके बाद जो है ना, मैंने कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं की थी। डायरेक्टली नेक्स्ट डे इवनिंग यानी कि संडे शाम को मैंने जो ना कैमरा उठाया था, और यहाँ पे जो ना शाम की जो है ना मैं चाय बना रही थी हस्बैंड और अपने लिए और थोड़ी सी आशीष के लिए, क्योंकि आशीष की हेल्थ थोड़ी सी गड़बड़ हो रखी है, थोड़ा सा मुझे कोल्ड कफ हो रखा है। तो बस यहाँ पे चाय बनाऊंगी, और कल यानी कि मंडे मॉर्निंग को है रक्षाबंधन, तो सोच रही थी कि रक्षाबंधन के लिए जो ना कुछ अच्छा सा टेस्टी सा डिज़र्ट, कुछ स्वीट बना लूँ और आपके साथ शेयर करूँ। तो मन में आया कि क्यों ना बादाम का हलवा बनाया जाए, जो कि टेस्टी तो है ही है, साथ ही साथ पौष्टिक भी भरपूर है। तो बस मैंने फ्रिज से जो ना अभी वही बादाम निकाल रही थी, तो आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ बादाम का पौष्टिक सा हलवा। तो यहाँ पे जो ना मैंने एक कप बादाम ली है, मेजरिंग कप का एक कप लिया है, कोई भी एक कप या कटोरी लीजिए, उसी से सब चीज़ें नापिए। तो एक कप भर के मैंने यहाँ पे बादाम ली है। अब इस बादाम को ना आप चाहे तो रात भर भिगो के रखिए, चाहे तो इस तरीके से उबलते पानी में डाल के और इसे एक उबाल दिला दीजिए। एक उबाल आते ही क्या होगा ना कि इसकी सारी जो स्किन होती है ना, छिलके होते हैं ना, वो पूरे लूज़ होके सेपरेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से छन्नी में मैंने निकाल दिया। अब आप चाहें तो इस तरीके से हाथ से इसे छील लीजिए, ईजीली इसके जो छिलके हैं ना निकल जाते हैं उबले हुए पानी में जो ना एक मिनट उबालते हैं ना, तो ईजिली इसकी स्किन जो ना आराम से निकल जाती है, देखिए इस तरीके से। और एक शॉर्टकट तरीका है, मैं बताती हूँ, आप या तो एक एक बादाम को इस तरीके से हाथ से निकालिए, या तो आप जो वो टर्किस के टॉवल होते हैं ना, या कोई थोड़ा सा कॉटन का मोटा कपड़ा होता है ना, उसमें आप बादाम को डाल दीजिए, और बादाम को जो है ना आपको अच्छे से उसमें रगड़ना है। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा एक ये करचिप लिया है, और इस तरीके से डाल के उसमें जो है ना थोड़ा सा मसल दीजिए। तो इस तरीके से जो ना छिलके आसानी से सारी बादाम के निकल जाते हैं। जो भी तरीका आपको कन्वीनियंट लगता है, आप उस तरीके से जो ना इसकी पूरी स्किन निकाल दीजिए। आप चाहे तो रात भर भिगा के भी निकाल सकते हैं, और चाहे तो इंस्टेंटली उबलते पानी में उबाल के, और इस तरीके से तो बहुत आसानी से और बहुत आराम से जो ना बादाम के पूरे छिलके जो ना सेपरेट हो जाते हैं। इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ ना। तो अब हम क्या करेंगे ना, इस बादाम को हमें थोड़ा सा दरदरा पीसना है। इस बादाम के हलवे को आप आराम से 10-15 दिन रख के स्टोर करके खा सकते हैं, ये ख़राब बिल्कुल नहीं होता, और इसकी शेल्फ लाइफ जो होती है बहुत ही अच्छी होती है। आप जब खाना हो इसे माइक्रोवेव में गर्म करिए, खाइए, और रेडी होता है। तो इस तरीके से मैंने सारे बादाम की जो ना स्किन छीन ली, और अब इसका जो ना हम दरदरा सा इसे पीस लेंगे मिक्सर ग्राइंडर में। देखिए इस तरीके से जो है ना दरदरा आपको इसे पीसना है, बहुत ज़्यादा फाइन मत करिएगा, थोड़ा दरदरा रखना है हमें, ठीक है। और अब हम कढ़ाई में लेंगे घी, और घी यहाँ पे देखिए पूरे एक कप से थोड़ा कम है, आधा भी नहीं है, आधे से थोड़ा ऊपर है और पूरे से थोड़ा कम है, क्योंकि बादाम भी अपना घी छोड़ेगा, तो हम इसमें पूरा एक कप घी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लगभग आधा पौन कप के करीब आपको जो ना घी इसमें लगेगा। घी जैसे ही मेल्ट हो गया, गर्म हो गया, इसके बाद जो है ना हम इसमें ये पीसी हुई बादाम डाल देंगे, और 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है इस बादाम को अच्छे से भूनने में। मीडियम टू लो फ्लेम में आपको भूनना है, बीच में आप मीडियम करिए, बीच में आप थोड़ा सा स्लो कर दीजिए, तो मीडियम टू लो फ्लेम पर आप इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लीजिए। आपको इसे फुल फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं भुनना है, आप इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे ही लगातार चलाते हुए भुनिए, और ये जो है ना बहुत जल्दी नीचे चिपकने लगता है, तो आप ध्यान रखिए कि आपको जो है ना चम्मच चलाते रहना इसमें, ताकि ये चिपके ना, नीचे से जले ना। और जैसे जैसे आप इसे भूनते जाएंगे, आप देखेंगे कि इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, और इसकी जो ना अच्छी खुशबू भी पूरे घर में आने लगती है, पूरा घर जो ना आपका महकने लगेगा बादाम के हलवे से, और इसका जो घी है ना वो भी सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस स्टेज तक आपको जो है ना इसे भूनना है, टाइम लगभग 15 से 20 मिनट आराम से इसे लग जाते हैं, क्योंकि हम इसे लो फ्लेम पे ही भूनते हैं। तो देखिए इसका जो घी है ना सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है, और बहुत ही प्यारी जो है इस स्टेज में इसमें से खुशबू आ रही है। और बस इस स्टेज तक जब आप इसे अच्छे से भून लें, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे उसी कप से 2 कप दूध। जिस भी कप या कटोरी को आप मेजरमेंट के लिए ले, आप एक ही कप का इस्तेमाल करें, उसी से जो ना आपको 1 कप बादाम, 1/4 कप घी और 2 कप दूध लेना है। और उसके बाद जो है ना मैं इसमें शक्कर डालूंगी, वो भी इसी कप से। तो मैं जो है ना आधा कप शक्कर डालूंगी। शक्कर आप अपने हिसाब से जितना भी आप
अच्छा मीठा खाते हैं तो थोड़ा 2-3 चम्मच ज़्यादा डाल दीजिए, कम खाते हैं तो 2-3 चम्मच कम कर दीजिए। तो बस इस तरीके से जो ना मैंने इसमें आधा कप शक्कर डाल दी और इसे जो ना अच्छे से अब हम चला लेंगे। इससे सेहत में आप इसका गैस का फ्लेम फुल कर सकते हैं, आराम से आप फुल फ्लेम पर इसे जो ना भून लीजिए। फुल फ्लेम पे आप जो ना पूरा जब तक दूध अब्जर्व नहीं कर लेती बादाम तब तक अच्छे से इसे चला लीजिए। आप जैसे जैसे देखेंगे कि ये पकते जाएगा वैसे वैसे जो ना इसकी कंसिस्टेंसी थिक होते जाएगी। मैंने बाय द वे इसमें एक चुटकी केसर भी डाली थी बट वो क्लिप शायद यहाँ पे मिस हो गया है, तो ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें चाहें तो स्किप कर दें। और देखिए आप इसका कलर भी अब चेंज होते जा रहा है और ये जो है ना हलवे की कंसिस्टेंसी में स्लोली स्लोली जो है ना सेट होते जा रहा है। और जैसे ही हलवा पूरे दूध को अब्जर्व कर ले, थोड़ा थिक हो जाए, आप गैस का फ्लेम थोड़ी देर सिम कर दीजिए ताकि जो घी हलवे में हमने डाला है वो थोड़ा सा सेपरेट हो जाए। जैसे ही घी थोड़ा सा सेपरेट हो जाएगा मतलब जो है ना आपका हलवा रेडी हो चुका है। इस स्टेज में मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच हरी इलायची का पाउडर और बस पाउडर डाल के हम जो है ना इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें जो है ना बेसिकली 3-4 चीज़ें ही डलती है, घी शक्कर दूध और इलायची, ज़्यादा और कुछ भी इसमें नहीं जाता। हाँ कुछ लोग इसमें आटा या सूजी डालते हैं बट उस केस में जो है ना हलवे की शेल्फ लाइफ उतनी अच्छी नहीं होती और अगर आपको व्रत में खाना है तो भी आप उसे नहीं खा सकते। तो मैंने प्योर बादाम का हलवा बनाया है सो दैट जो है ना हम इसका इस्तेमाल व्रत में भी कर सकें और इसकी शेल्फ लाइफ भी अच्छी हो। तो हलवा जो है ना हमारा रेडी हो चुका है, पूरा घी इसमें से जो है ना सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। आप देखिए किनारों में जो है घी आ चुका है। बस इस स्टेज तक आपको जो है ना हलवे को अच्छे से भून के रेडी करना है। तो तैयार है हमारा टेस्टी टेस्टी और पौष्टिक सा बादाम का हलवा। रक्षाबंधन स्पेशल, रक्षाबंधन पे जो ना वर्षा रानी अपने भाइयों को राखी बांधते समय खिलाएगी ये हेल्दी हेल्दी सा बादाम का हलवा। तो बस गैस का फ्लेम मैंने कर दिया बंद और इसे कर लेते हैं सर्व। और देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी कितनी परफेक्ट आई है, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बन के तैयार होता है ये बादाम का हलवा। और आराम से आप इसे जो ना 10-15 दिन रख के खा सकते हैं। बस जब आपको खाना है आप इसे रीहीट कीजिए और इसका आनंद लीजिए। ऊपर से जो है ना मैंने गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी कटी हुई बादाम डाल दी, ऑप्शनल है, जस्ट फॉर सेक ऑफ डेकोरेशन। और बस रेडी है हमारा पौष्टिक और हेल्दी सा बादाम का हलवा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा आज का ये ब्लॉग, ज़रूर ज़रूर से जो है शेयर कीजिएगा। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। यदि चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। और विश यू ऑल हैप्पी रक्षाबंधन, क्योंकि ये वीडियो आपके पास पहुँचेगा रक्षाबंधन के दिन। तो बस चलिए फ्रेंड्स मैं ये वाला ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए ब्लॉग पर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।